दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है कि आरएमसी में सेमेस्टर वाइज कितनी सीट्स होती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे रिजर्व में आए हैं अभी, जो मेरिट लिस्ट निकली है आरएमसी में, उनका क्या होता है। देखिए, पहला जो सवाल है सेमेस्टर वाइज जो सीट है, मैं पहले सभी पेरेंट्स को बता दूँ कि आरएमसी में हर क्लास एक सेमेस्टर वाइज होती है, दो सेमेस्टर्स होते हैं। अगर मैं क्लास एट्थ की बात करूँ तो उसमें क्लास एट्थ है और क्लास एट्थ ए है, ओके, तो दो पार्ट्स में उसको बांटा गया है। तो हर एक सेमेस्टर में आपको मालूम है कि आरएमसी में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और जो सीट्स हैं टोटल वो हैं 41, जिसमें 36 सीट्स हैं फॉर बॉयज़ एंड 5 सीट्स आर फॉर गर्ल्स, ठीक है, तो टोटल 41 सीट्स हैं। हाँ, अगर उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो करते ही सीट्स के साथ। कम बच्चे पिछले बार भी सिलेक्ट हुए थे, अराउंड 17-18 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हुए थे पिछले बार आरएमसी में, जिसमें 2-3 गर्ल्स भी थी, ओके। लेकिन आरएमसी भी चाहता है कि जितनी सीट्स हों वो पूरी फुलफिल हो, ओके। तो यहीं से दूसरे सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो बच्चे रिजर्व में हैं, फॉर एग्जांपल, पहले तो स्टेट वाइज सीट्स हैं वो भरी जाती है, अगर सीट्स पूरी नहीं हुई तो फिर रिजर्व वालों को भी वो कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं। रिजर्व वालों वाले बच्चों को भी कॉल आ सकता है, क्योंकि क्या है ना, मेडिकल के बाद भी बहुत बच्चे आउट होते हैं, तो एक चांस रहता है रिजर्व वाले स्टूडेंट्स का भी। तो रिजर्व वाले स्टूडेंट्स को अपना जो होप है वो लूज़ नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट।